तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। मेरा लास्ट दो जो वीडियो गया है, स्पेशली रिगार्डिंग द कट ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ CGL 2019, उस जो वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइप का कमेंट्स आया हुआ है, जो लोगों का जो क्वेरीज है, तुम लोगों के पास जिसका रिजल्ट वो आ गया है, लेकिन यू आर डाउटिंग कि तुम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिलेगा आप कोई पोस्ट, और तुम लोग मुझे पूछ रहे हो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कौन सी पोस्ट चाहिए, कौन सी पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे क्या मिल सकता है सर, आपका प्रेडिक्शन क्या हो सकता है सर। तो आज मैं सोचा हूँ कि आज एक वीडियो करूँगा इसके लिए एंटायरली रिगार्डिंग दिस, और देखूँगा इसका कैसा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर इफ दिस कम्स गुड तो मुझे जो कॉमेंट्स आप कर रहे हो नीचे में जाके, इफ आई फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ कमेंट्स इन टू मैनी, इफ आई फाइंड टू मैनी सिमिलर काइंड ऑफ कमेंट्स, देन आई मेक अ एंटायर वीडियो ऑन इट, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से तुम लोगों को ये क्वेरी का रिप्लाई देना। अब तुम लोगों को वो पसंद होता है कि नहीं होता है, अगर मैं पकड़ लो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, किसी को मार्क्स देके मैं बोलता हूँ कि ये नहीं मिलेगा और तुम लोगों को बुरा मान जाते हो, तो आई बी वेरी सॉरी, बट ये मेरा गलती नहीं है। अगर तुम लोग मुझसे पूछे हो तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना। CGL CHSL सब कुछ के रिगार्डिंग यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। हाय, वेलकम टू मेड फॉर SSC चैनल। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, मैं CAG अकाउंटेंट में काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मेरा इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट क्या है, आई बटन में शेयर कर देता हूँ मेरा मार्क्स एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली बनाऊँगा मेरा जो लास्ट दो वीडियो गया है, नॉट द CHSL वन बट द CGL वंस। अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ वो प्लेलिस्ट, दो वीडियो है वहाँ पर जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रेडिक्शन लेने वाला हूँ मेरा ही वही जो डायग्राम मैंने शेयर किया था उस वीडियो में, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर कॉपी में देख के मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट देन गो एंड डू वॉच इट, देन कम एंड वॉच दिस वीडियो। बट अगर आप वॉच कर चुके हो एंड यू हैव लाइक दैट वीडियो, आप अभी कन्फ्यूज स्टेट में हो, तो लेट्स गो इन टू द वीडियो। मैं यहाँ पे 5-6 कॉमेंट पिकअप करूंगा रैंडमली अकॉर्डिंग टू द डेट्स दैट दे हैव कम टू मी, एंड मैं कोशिश करूंगा इन डिटेल मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरा आप लोगों का रिप्लाई क्या होगा एंड द रीजन फॉर दैट। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहला जो कॉमेंट है मैंने स्क्रीन शॉट कर लिया है। सबसे पहला कॉमेंट मैं 3 दिन पहले जा रहा हूँ, स्वाति गुप्ता आपने कॉमेंट किया था, 603 EWS में कोई पोस्ट मिल सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई। अब यहाँ पे जो लिस्ट मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में, उसमें जाके मैं अगर चेक करता हूँ 603 EWS, EWS का 4200 ग्रेड पे का कट ऑफ गया था 594.9 और लिस्ट 4 में कट ऑफ गया था 562.7, वेरी गुड, आपका है 603, तो जस्ट 9 मार्क्स 10 मार्क्स ज़्यादा है 4200 ग्रेड पे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको शायद 2800 ग्रेड पे मिलने का चांसेस है, इफ नॉट 2800 भी अगर नहीं मिलता है तो 2400 ग्रेड पे मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बिफोर द CHSL वीडियो सॉरी, कि मेजॉरिटी जो यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं लिस्ट 3 में, और मेजॉरिटी को जस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स के करीबन ही हो आप, 9-10 मार्क्स करीबन ही हो नियर द कट ऑफ, यू गाइज हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट 2800-2400 ग्रेड पे पोस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2800 ग्रेड पे मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है देन एब्सोल्यूटली आपको 2400 ग्रेड पे मिल जाना चाहिए। आप वो प्रेफरेंस पे दिए हो कि नहीं, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर ओन कैलकुलेशन एंड आपका लोकेशन प्रायोरिटी क्या है। हाँ, मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि आपको जिस पोस्ट चाहिए जहाँ पे चाहिए वहीं पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट आपको पोस्ट मिलेगा। तो ये हो गया स्वाति गुप्ता। नेक्स्ट आते हैं जिसके बारे में, वो है अमर्त घोष। उसने बताया कि दादा मेरा 635.5 UR है, मुझे कोई पोस्ट मिलेगा क्या, किचू पोस्ट की पाबो इन बंगाली, बट मुझे कोई पोस्ट मिलेगा क्या। डिपेंड्स, 635.5 UR मीन्स यू आर 11 मार्क्स हायर देन द कट ऑफ, देन द सेम गोज एज आई हैव सेड फॉर स्वाति गुप्ता, देन द सेम गोज फॉर यू।
अमर तो क्या होने का चांसेस है, अगर 10-15 मार्क्स आप लोगों को कट ऑफ के नियर मिलता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 624 है तो 650 के करीब जो है उसको 4600 ग्रेड पे मिलने का बात है, चांसेस है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो 630-635 के पास में हो उसको एल से यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्रैकिंग 2800 ग्रेड पे पोस्ट, और 2800 ग्रेड पे पोस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे इस बार सबसे अच्छा है CGA अकाउंटेंट सबसे अच्छा पोस्ट है इस बार के लिए। तो आई विल टेल यू कि अमर्तो गो फॉर CGA अकाउंटेंट इन योर लोकेशन प्रेफरेंस, प्रोवाइडिंग यू आर बंगाली एंड मैं समझ रहा हूँ कि घोष हो आप, तो इफ़ यू हैव प्रेफरेंसेज ऑफ कोलकाता मेक श्योर टू नो द एग्जैक्ट वैकेंसीज ऑफ कोलकाता ऑफ CGA एंड देन गो फॉर यू DV। आई एम वेरी श्योर यू हैव हाई चांसेज ऑफ क्रैकिंग CGA इफ नॉट द कंपटिशन इज टू मच इन कंपेरिजन टू द वैकेंसीज। अगर वो है तो 2400 ग्रेड पे तो आपको मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब बढ़ते थर्ड में। थर्ड कमेंट है आयुष पासवान का, एक दिन पहले का ही कमेंट है। SC कैटेगरी टोटल मार्क्स 585, 4600 या 4200 ग्रेड पे का कोई पोस्ट मिल सकता है क्या सर? लेट्स सी, 4600, 4200 लिस्ट 3 में लास्ट कट ऑफ गया है SC का 547, आपको मिला है 585। If I add 40 marks, then 587. 35 marks ज़्यादा है आपको कट ऑफ से, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको 4600 ग्रेड पे मिलने का चांसेस है, बट नॉट द elite ones. आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा प्रोवाइडेड कि आप एक बार चेक कर लो ज़्यादातर वैकेंसीज कौन सी पोस्ट में है आपकी कैटेगरी का। जैसे मैं SC कैटेगरी की बात करूँ और जैसे मैं वैकेंसी लिस्ट देखा भी हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहता है रहा है इस बार, एंड इट ऑल्सो डिजर्व्स टू बी बिकॉज GST अभी 2-3 साल ही खुला हुआ है, तो GST के लिए बहुत लोग ले रहे हैं वो GST इंस्पेक्टर के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्रैकिंग इन टू एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट, बट लोकेशन आपको आपका पसंद वाला नहीं मिलने वाला है इवन इफ यू गेट इट, और इवन इफ यू डोंट गेट 4600 ग्रेड पे पोस्ट, 4200 DA तो आपको मिलना ही होता है, आपको मिलना चाहिए। मैं बोलूँगा इन द बेस्ट केस जितना मुझे SSC का नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस है, तुम्हें इन दिस कैटेगरी इफ देर इज़ नॉट टू मच हाई कंपटीशन, मतलब DA का 2-3 अगर वैकेंसी नहीं है, अगर मिनिमम 50-100 है, 50-60 है, तो तुम्हें मिल जाना चाहिए DA, इफ नॉट एक्साइज इंस्पेक्टर बिकॉज यू आर अबव 35 मार्क्स अबव द कट ऑफ, सो मिल जाना चाहिए। ये हो गया थर्ड वन। अब फोर्थ वन आते हैं, जो कल रात ही मुझे कमेंट मिला था, मैंने रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। सुदीप्ता रानी दास, आप भी बंगाली हो मुझे लग रहा है। सर मेरा SC कैटेगरी है, मुझे 593 आउट ऑफ 900 आया, लिस्ट 1 और लिस्ट 4 में नाम है, किस पोस्ट के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ? लिस्ट 1 इज़ फॉर WOs एंड लिस्ट 4 इज ऑफ, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए बताता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। अगर लिस्ट 1 में आपका नाम है 593 आउट ऑफ 900, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आपने WO पेपर दिया हुआ है, तो WO के लिए SC का कट ऑफ गया हुआ है 582.9 और आपका मार्क्स है 593, मोर देन 100 मार्क्स, तो आपको WO मिलने का बहुत हाई चांसेस है सुदीप्ता। बट कीप दिस इन माइंड कि इफ़ यू गेट इन टू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यू विल गेट टू मच हाई सैलरी फॉर दिस पोस्ट एंड फॉर दिस एज, प्रोवाइडेड योर एज इज लेस, बट टूर्स करना पड़ेगा नंबर वन। नंबर टू है पसंदीदा लोकेशन आपको नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आर बंगाली, मैं आपके नाम से जैसे मुझे पता चल रहा है यू आर बंगाली, देन इफ योर लोकेशन प्रायोरिटी इज कोलकाता और वेस्ट बंगाल, देयर इज हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी आपको वेस्ट बंगाल नहीं मिलने वाला। तो आप एक काम करो, आप SC कैटेगरी का वेस्ट बंगाल में WO का कितना वैकेंसीज है देख लो, देखने के बाद आपका रैंक आपका कैटेगरी बेसिस में रैंक कितना आ रहा है वो देख लो, ऑल इंडिया लेवल में आपका कैटेगरी का रैंक कितना आ रहा है आपका वो देख लो। अगर आप देख रहे हो कि 20-25 में आपका रैंक आ रहा है एंड देयर आर मोर देन 20-25 वैकेंसीज ऑफ SC कैटेगरी इन वेस्ट बंगाल, तो आपको मिलने का चांसेस है। वरना मेंटल प्रिपरेशन रखना कि आपको नहीं मिलने वाला वेस्ट बंगाल में, बाहर में मिलने वाला है, बट
डबल वे पोस्ट आपको मिलना ही चाहिए, मतलब आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट इन दिस पार्ट। अगर दो तीन वैकेंसी नहीं है, अगर मिनिमम 50-60 वैकेंसी है आपका कैटेगरी का, तो आपको मिलना चाहिए ही चाहिए डबल वे। बट लिस्ट फोर में आपको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यू हैव गॉट 593 आउट ऑफ 900, और एससी कैटेगरी है लिस्ट फोर के लिए 518.9 आउट ऑफ 800, तो आउट ऑफ 700 एक्चुअली, सॉरी, तो आपको नहीं मिलने वाला है लिस्ट फोर में कोई भी पोस्ट। सो गो फॉर डबल ओ पोस्ट, हाई चांसेस है मिल जाने का, गो फॉर इट एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको घर नहीं मिलने वाला है, एंड सो डू यू रिसर्च वेरी केयरफुली। अब आते हैं जो लास्ट पॉइंट में आया हूँ मैं, वो है राजोश्री दास। राजोश्री, यू हैव कमेंटेड 639.69 यू आर, विच पोस्ट कैन आई एक्सपेक्ट सर? 639.69 यू आर, अब 624 इज द कट ऑफ फॉर 4600 एंड 4200 ग्रेड पे पोस्ट। सो इफ आई कैन प्रिडिक्ट इट करेक्टली, विच आई डू थिंक आई डू, आपको 631-624 आपको यू शुड गो फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट। आपको 2800 ग्रेड पे पोस्ट मिलने का चांसेस है 70-30, और 2400 ग्रेड पे पोस्ट मिलने का चांसेस है 90-10। मैं बता रहा हूँ कि जिसका कट ऑफ का, जो 4600 4200 ग्रेड पे का कट ऑफ का 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के उस रेंज में हो, तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू नॉट टू गो फॉर 4600 4200 ग्रेड पे पोस्ट, क्योंकि हाई चांसेस है आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इफ नॉट 650-645 तो जाएगा ही कट ऑफ फॉर 4600 ग्रेड पे पोस्ट एंड 4200। अगर 4200 ग्रेड पे पोस्ट के लिए नहीं भी जाते, 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए 650 जाएगा, 645, और 4200 ग्रेड पे पोस्ट के लिए 640-642। जितना कंपटीशन हो रहा है अभी, दो तीन मार्क्स में ही अभी 10,000-20,000 लोग हैं। सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, राजोश्री, गो फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट। अगर वो भी ना मिले, देन 2400 ग्रेड पे पोस्ट एक बार भेबे देखो। इफ यू गो फॉर 2400 ग्रेड पे पोस्ट, देन आई एम वेरी श्योर आपको कोलकाता में मिलने का चांसेस है, TACBDT SCBIC, डिपेंड्स ऑन हाउ मच वैकेंसीज आर देयर फॉर यू आर। मुझे जितना पता चला है फ्रॉम दिस वीडियोज एंड द कमेंट्स कि ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं, तो मेक श्योर यू डू यू रिसर्च। मेरा आपके लिए एडवाइस यही रहेगा, आई हैव ओनली दिस पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू राजश्री, गो फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट, एंड सेकेंड प्रेफरेंस में रखना 2400 ग्रेड पे पोस्ट। मतलब यू कैन ऑलवेज की 4600 4200 ग्रेड पे इन योर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, बट आपको मिलने वाला है 2800 ग्रेड पे। बट इन द बेस्ट केस 2400 ग्रेड पे, इन द वर्स्ट केस 2400 ग्रेड पे, इन द बेस्ट केस 2800 ग्रेड पे पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आज का 5 कॉमेंट्स, तो ये हो गया आज के लिए कॉमेंट्स, जो 5 कॉमेंट्स मैंने पिकअप किया था, लास्ट 5 कॉमेंट्स। जो लोग इस कॉमेंट्स को देख के, तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने तुम्हारा कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है, तो इस वीडियो में नीचे जाके कॉमेंट करो तुम्हारा क्वेरी क्या है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अनदर वन ऑफ दिस वीडियोज, कि मैं यहाँ पे आपका पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकता हूँ। नंबर वन, नंबर टू, जो 4-5 लोगों का मैंने डाउट क्लियर किया, मतलब करवाया है, अगर उसके रिगार्डिंग अगर बहुत लोगों का ऐसा ही डाउट्स था और क्लियर हो गया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ये जो नीचे जो लिंक्स जा रहा है, मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और पेट्रियन का लिंक है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो, एंड आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर डाउट्स, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स एज मच अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ही था, होप आई हैव रिप्लाइड, आई हैव सॉल्व सम ऑफ योर डाउट्स, दिस 5 पीपल एंड इन रिजल्ट 50 पीपल और मोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, देखते रहना मेरा वीडियोस, कमेंट करते रहना, और अगर डाउट है पूछते रहना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कूडोस।